पंडित जेठानंद जी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वो वाराणसी में रहते थे। शिव मंदिर में एक पुजारी के पद पर वो कई वर्षों से सेवा कार्य कर रहे थे। शिव पुराण, शिव व्रत उद्यापन, शिव चालीसा और शिव भजन कीर्तन आदि की पूजा विधि का कार्य वो भली भांति संभालते थे। अरे पंडित जी, आज आप बड़ी सुबह सुबह ही तैयार हो गए। सुशीला, आज किसी के घर में सावन सोमवार की पूजा है, तो वो शिव पुराण का पाठ करवाना चाहते हैं, इसलिए मंदिर में पूजा कार्य करके सीधा उन्हीं के घर चला जाऊंगा। आने में शाम हो जाएगी। पंडित जी शिव मंदिर में पूजा करके उन लोगों के घर पहुंचते हैं जहां शिव पुराण का पाठ करवाना था। पूजा की तैयारी के बाद वो भगवान शिव के लिए एक आसन लगाते थे और उसके सामने एक त्रिशूल और डमरू स्थापित करके पूजा शुरू करते थे। ये जेठानंद पंडित जी का नियम था। अरे ये पंडित जी, पूजा से पहले एक आसन, ये त्रिशूल और ये डमरू क्यों स्थापित करते हैं भाई? जेठानंद पंडित जी से जब भी पूछते हैं, वो यही कहते हैं कि जब वो पूजा करने लगते हैं, तो स्वयं भगवान शिव उनकी पूजा सुनने के लिए इस आसन पर विराजित होते हैं। ये तो श्रद्धा भाव है पंडित जी का, तभी तो विश्वास के साथ ये आसन लगाते हैं, है कि नहीं? पंडित जेठानंद पूजा करवा कर घर आ जाते हैं। आ गए आप, चलो भोजन कर लो। अब कल से तो आपको मंदिर में भी समय लगेगा, शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ, कल शिवरात्रि है तो सभी कांवड़िये शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। दूर दूर से शिव मंदिर में लोग पूजा करने आते हैं, भक्तों की भीड़ रहेगी कल तो। अगले दिन पंडित जेठानंद सुबह सुबह मंदिर पहुंचते हैं। हाँ, ये प्रभु शिव शंकर का आसन बिछा देता हूँ, फिर पूजा आरंभ करूंगा। अब पंडित जी, कोई बहुत पहुँचे हुए महाराज शिव मंदिर में दर्शनों के लिए आ रहे हैं, उनके पीछे भक्तों की भीड़ भी है। आइए महाराज, आइए, आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर इस मंदिर की शोभा बढ़ाइए। स्वामी महाराज की जय, स्वामी महाराज की जय। सबका कल्याण हो। पहले हम मंदिर में थोड़ी देर विश्राम करना चाहेंगे। अच्छा, तो ये आसन हमारे लिए बिछाया है, अति सुंदर अति सुंदर। क्षमा कीजिए स्वामी महाराज, ये आसन तो मैं भोलेनाथ के लिए सजाता हूँ, वो मेरी पूजा में अपनी हाजिरी देकर उसे संपूर्ण करते हैं। मूर्ख, कभी भगवान भी ऐसे आसन पर आकर बैठ जाएंगे? ये असंभव है, ये तुम्हारा पागलपन है। मेरा विश्वास है, जो कई वर्षों से मैं ये आसन बिछाता हूँ और मुझे पता है भगवान शंकर सदैव मेरी पूजा में इस आसन पर विराजमान होते हैं। अच्छा, तो फिर प्रमाणित करके दिखाओ पंडित जी कि सच में भगवान शंकर इस आसन पर बैठते हैं। स्वामी महाराज, भगवान में आस्था और विश्वास ही हमारी पूजा को सफल बनाता है। इधर उधर की बातें मत करो पंडित जी, मुझे प्रमाण दो कि इस आसन पर शंकर महाराज विराजित होते हैं। मैं भी तुम्हारी भक्ति में शक्ति देखना चाहता हूँ कि तुम में भला ऐसा क्या है जो सिर्फ तुम्हारे कहने पर भगवान स्वर्गलोक को छोड़कर यहाँ तुम्हारी पूजा में बैठने आ जाते हैं। स्वामी महाराज, आपको प्रमाण चाहिए तो मुझे कल तक का वक्त दीजिए। पर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पंडित जी आप कोई चालाकी नहीं करेंगे? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप ये आसन अपने पास रखिए और कल जब मैं इसे पूजा के समय यहाँ रखूंगा, बस आप इसे यहाँ से उठाकर कहीं और रख देना, आपको प्रमाण मिल जाएगा। ठीक है, यदि तू सच्चा भक्त होगा तो मैं तेरा सेवक बन जाऊंगा, और यदि तू असफल रहा तो तू इस मंदिर को छोड़कर चला जाएगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है स्वामी महाराज। स्वामी महाराज को आसन सौंपकर पंडित जी घर आ जाते हैं। लोग इस विषय में बातें करने लगते हैं। पता नहीं भाई, अब कल देखते हैं किसकी जीत होगी और कौन हारेगा। आ भाई, पुजारी जी बरसों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनको विश्वास होगा भगवान शंकर पर, तभी तो इतनी बड़ी बात कह दी। देखते हैं कल क्या होगा। उधर स्वामी महाराज अपने एक चेले से बातें करने लगते हैं। मुझे पता है, ये पंडित बरसों से मंदिर में चढ़ रहे दान दक्षिणा पर कुंडली जमाए बैठा है।
अब इस पंडित की सच्चाई सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। स्वामी महाराज, आपने बिल्कुल सही शर्त रखी है, कल इस पंडित का भांडा फूट ही जाएगा। हाँ, फिर तो सब लोग आपकी वाहवाही करेंगे। पंडित जेठानंद भी घर आ जाता है। सुशीला पूछती है, पंडित जी उसे सारी बात बताते हैं। सुनो जी, आप तो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हो, और भोले भंडारी के होते हुए आपको चिंता की क्या आवश्यकता? हाँ सुशीला, मैंने तो सब कुछ भोले बाबा पर छोड़ दिया है, और मैं जानता हूँ वो मेरे विश्वास की लाज जरूर रखेंगे। पंडित जी भगवान शंकर को याद करते हैं। हे भोलेनाथ, हे परमेश्वर, कल आपके भक्त की परीक्षा है, और मुझे पता है कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। अगले दिन पंडित जेठानंद मंदिर पहुंचते हैं। स्वामी महाराज पहले से ही मंदिर में पहुंचे हुए थे। आइए पंडित जेठानंद जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। चलिए, ये रहा भगवान शिव का आसन, लगाइए इसे और पूजा शुरू कीजिए। देखें भगवान यहाँ विराजेंगे या नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, यदि मैं सच्चे हृदय से आपका नाम लेता हूँ, यदि मैंने अपने शिव शंभू की सदैव सच्चे मन से पूजा की है, तो मेरे भोलेनाथ आज यहाँ विराजो। हे नीलकंठ, आज यहाँ विराजो। पंडित जी शंकर भगवान का स्मरण करके मंत्र जाप कर रहे थे। स्वामी महाराज तो बस इसी इंतजार में थे कि कब पंडित जी का विश्वास टूटे और वो पंडित जी को झूठा साबित करे। तभी, स्वामी महाराज, यदि आपको लगता है भगवान शंकर इस आसन पर नहीं बैठे, तो क्या आप इस आसन को उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं? अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुको, अभी इस आसन को वहां सामने रख देता हूँ। दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। अरे, ये आसन उठ क्यों नहीं रहा? ये तो टस से मस भी नहीं हो रहा। ये असंभव है। अरे, मैं तो जोर लगा रहा हूँ, ये आसन उठाना मेरे लिए मुश्किल है। तो क्या सचमुच भगवान शंकर इस पर बैठे हुए हैं? तभी स्वामी महाराज को महसूस होता है जैसे किसी ने उनके हाथ को ही छिटक दिया हो। वो घबरा जाते हैं और पंडित जी से क्षमा मांगते हैं। सब लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हे महादेव, आप सचमुच इस आसन पर बैठे हैं, मुझे यकीन हो गया। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी भक्ति जीत गई, मैं गलत था। आप तो सचमुच भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। नहीं नहीं स्वामी महाराज, भगवान शंकर के लिए सभी भक्त एक समान हैं, बस विश्वास और लगन की आवश्यकता होती है। भगवान शंकर ने पंडित जेठानंद का विश्वास टूटने नहीं दिया। स्वामी महाराज को पता चल गया था कि पंडित जेठानंद की भक्ति में बहुत शक्ति है, और वो शक्ति सभी के पास होती है, बस उसमें श्रद्धा का दीपक जलाने की जरूरत होती है।